गोरखपुर अर्थ स्टेशन का शुभारंभ किया सीएम योगी और अनुराग सिंह ठाकुर ने किया शुभारंभ, कहा कलाकारों को मिलेगा सुनहरा अवसर। राज्यपाल ने किया आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बांटे किट, जिलाधिकारी समेत तमाम अधिकारी रहे मौजूद। वृंदावन पहुंची अभिनेत्री कंगना रनौत, पत्रकारों को दिया जवाब, कहा मेरी किसी पार्टी से मेरा कोई संबंध नहीं। गोंडा में ड्रेनेज खंड में करोड़ों रुपए का घोटाला, ठेकेदारों ने लगाया आरोप, कहा 30% मांगा जा रहा है कमीशन। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। गोरखपुर दूरदर्शन केंद्र पर अर्थ स्टेशन का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि स्थानीय लोक और भोजपुरी कलाकार को इससे सुनहरा अवसर मिलेगा। वहीं सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में गुंडा राज प्रदेश से भाग गया, जो लोग प्रदेश से पलायन करते थे वो लोग वापस लौट आए हैं, इसके साथ ही निवेश भी वापस लौट आया है। यही वजह है कि साल 2017 के पहले जो यूपी की अर्थव्यवस्था देश में 17वें नंबर पर थी, वो आज दूसरे नंबर पर पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि यूपी जल्द ही देश की नंबर वन एक अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। तो ऐसे में आपको बता दें कि गोरखपुर में अर्थ स्टेशन का शुभारंभ किया गया, हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अनुराग ठाकुर मौके पर पहुंचे, दोनों ने ही शुभारंभ किया। माणा प्रताप शिक्षा परिषद की शुरुआत ही 1932 में इस उद्देश्य से हुई थी। कहते हैं उस समय महंत दिग्विजय नाथ जी युवा थे, उनकी कुल आयु उस समय 36-37 वर्ष रही होगी और उस उम्र में जब वह देश की आजादी के आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे, बहुत नजदीक से जुड़े हुए थे, उस समय जब उन्हें पता लगा कि उनके स्कूली गुरु को उस समय इसलिए स्कूल से बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि उन्होंने देश की आजादी के लिए कुछ आह्वान किया था, उस अभियान के साथ जुड़े थे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सिद्धार्थनगर पहुंची, जहां पर उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। इसी के साथ ही आनंदीबेन पटेल ने बच्चों को किताबें बांटी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को किट भी बांटे। वहीं इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ जिलाधिकारी समेत सभी प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। तो तस्वीरें देख सकते हैं, सिद्धार्थनगर पहुंची थी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, जहां पर उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया, साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को किट भी उन्होंने बांटे। तो सिद्धार्थनगर पहुंची थी आनंदीबेन पटेल, तस्वीरें आप देख सकते हैं, कार्यक्रम में वो पहुंची थी, जहां पर उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों का जो है आपको बता दें निरीक्षण किया, साथ ही तस्वीरें देख सकती हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भी उन्होंने जानकारी दी और वहां पर किट भी उन्हें बांटे। कभी अपने बयानों से तो कभी अपनी फिल्मों से हमेशा चर्चा में रहने वाली कि मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी। वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर पहुंची, यहां मंदिर में उन्होंने पूजा पाठ कर बांके बिहारी का आशीर्वाद लिया। वहीं दूसरी तरफ कंगना के आने की खबर फैलते ही भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान वहां पहुंचे पत्रकारों ने कंगना से पूछा कि वो चुनाव में किस पार्टी को सपोर्ट करेंगी, तो कंगना ने क्या जवाब दिया आपको चलिए सुनाते हैं।
जहां सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पारदर्शिता लाने के लिए अधिकारियों के ऊपर लगाम लगाया है, तो वहीं अधिकारी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला दरअसल गोंडा का है, जहां सिंचाई विभाग के ड्रेनेज खंड में करोड़ों रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है। ठेकेदारों ने आरोप लगाते हुए कहा कि हमसे 30% कमीशन मांगा जा रहा है और कमीशन न देने पर पेमेंट रोक दिया जाता है और बिना काम कराए फर्जी भुगतान विभाग कर रहा है। ऐसे में ठेकेदारों ने आरोप में कहा कि इससे पहले भी ड्रेनेज खंड के एक ठेकेदार को जान से मारने की धमकी दी गई थी और अपनी पहुंच की धौंस भी दिखाई गई थी। वहीं इस पूरे मामले पर गोंडा से दौरे पर पहुंचे जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह से जब इस मामले पर बातचीत की गई तो उन्होंने एक गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए कागजी और किताबी बातें कह डाली। दरअसल विभाग के जिम्मेदार मंत्री का इस तरह का बयान कहीं ना कहीं विभाग के जिम्मेदारों को उनके लिए किए गए कृत्यों को बढ़ावा देता नजर आ रहा है। तो गोंडा का ये पूरा मामला है जहां पर ड्रेनेज खंड में करोड़ों रुपए का ये घोटाला हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि वहां पर कर्मचारियों ने भी आरोप कई तरह के लगाए और ऐसे में अपनी हरकतों से अधिकारी बाज नहीं आ रहे हैं। पत्रकार हैं और आपको जानकारी में है तो पता होगा, आज तक कभी नहर पे बोर्ड नहीं लगा। पहली बार नहर की सफाई कितने में होती है इसका हर नहर पे बोर्ड लगा है। पहली बार सांसद और विधायक से लिखाने के बाद भुगतान किया जा रहा है। पहली बार ड्रोन कैमरे से वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हो रही। पहली बार 5 किसान और 1 प्रधान से लिखने के बाद भुगतान हो रहा। पहली बार आज़ाद भारत में कुल 200 साल में 75,000 पुल पुलिया बनी और 100 दिन में 27,500 पुल पुलिया बनाई गई। सिंचाई विभाग सरजू ड्रेनेज खंड प्रथम में फरवरी 2021 से अब तक के करीब करीब 7,27,00,000 रुपए आ चुका है, जिसमें कि लायबिलिटी केवल 1 करोड़ की थी, लेकिन आज के डेट में सारे ठेकेदारों का भुगतान बाकी है और पैसे का पता नहीं लग रहा है कहाँ है। ना उनके कोई चीफ बता रहे हैं, चीफ से भी आज मीटिंग की गई, बात की गई, वो भी नहीं बताने को तैयार हैं। उनके अधीक्षण अभियंता साहब से भी पूछा गया, उनसे भी बात की गई, उन्होंने भी नहीं बता पाया कि कौन सा पैसा कहाँ गया। तो इसमें जो पुरानी लायबिलिटी थी, हेड को चेंज करके पुरानी लायबिलिटी पर भुगतान कर दिया गया है। राजमंगल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजमंगल, जिस तरह से ड्रेनेज खंड में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है, अब तक क्या कुछ कार्रवाई पूरे मामले में की गई है? जी बिल्कुल, बता दूं, जिस तरह से सिंचाई विभाग के ड्रेनेज खंड में मामला ये आया है, ये कोई नया मामला नहीं। इससे पहले भी तमाम ऐसे मामले सिंचाई विभाग में आए हैं कि फर्जी तरीके से पेमेंट हुआ है। बहरहाल इस बार जो हुआ है वो खुल करके ठेकेदार एसोसिएशन जो है सामने आ गया है कि हमसे 30% कमीशन मांगा जा रहा है, उसके बाद कहा जा रहा है कि मैं पेमेंट करूंगा। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वहीं अगर देखा जाए तो 7 करोड़ रुपए ठेकेदारों का आरोप है कि आया था, जिसमें 2 लाख रुपए का काम हुआ है, 5 लाख रुपए का लगभग घोटाला हुआ है जी। तो इन सब चीजों पे जब वहीं सिंचाई मंत्री से बात किया गया तो सिंचाई मंत्री ने जो किताबी और उनके जो दावे हैं उन्हों वही सीधा पढ़ के सुना दिया कि हमारे यहाँ 4 किसान 1 प्रधान के बिना साइन के कोई भी सिग्नेचर नहीं होता है। हालांकि उन्होंने इसको संज्ञान भी लिया है और बाद में फटकार भी लगाई है सिंचाई विभाग के अधिकारियों को। अब देखने वाली बात ये होगी कि कितना असर होता है मंत्री के इस फटकार में। बिल्कुल राजमंगल, लेकिन जिस तरह से देखिए आप भी ये जानकारी दे रहे हैं कि ये कोई पहला मामला नहीं है, इस तरह के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं और अब जो सिंचाई मंत्री ने जो बयान दिया उसके बाद फटकार लगाई, लेकिन इस तरह के मामलों पर रोक क्यों नहीं लगाई जाती है? जी बिल्कुल, जो एक्सियन के ऊपर आरोप आ रहा है, राधेश्याम नाम का एक्सियन है, ये पहले भी इस तरह के कृत्य कर चुका है। हाल ही में अभी इसके ऊपर FIR भी दर्ज हुआ था, एक ठेकेदार के को जान से मारने की धमकी भी दिया था इन्होंने। तो इस तरह से ये तमाम हुआ, लेकिन अभी तक प्रशासन इनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा है, क्यों किसके संरक्षण में ये है, ये कुछ पता नहीं चल रहा है। बिल्कुल राजमंगल, क्या आपको अधिकारियों से इस पूरे मामले में बातचीत हुई है आपकी, उनका क्या कुछ कहना है?
जी जब स्वयं सिंचाई मंत्री ही उसके मालिक से ही बात हुई तो फिर अधिकारियों से बात करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ठेकेदार एसोसिएशन जो है वो सबसे मिल करके जिससे अपील करके तक हार चुका है, उसके बाद में खुल करके उस सिंचाई मंत्री से शिकायत भी किया है, और गोंडा आए जल शक्ति मंत्री ने जब इस चीज को संज्ञान लिया तो अधिकारी भी वहां पर मौजूद थे। जी चलिए ठीक है राजमंगल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें गोंडा का ये पूरा मामला है जहां पर सिंचाई विभाग में बड़ा घोटाला किया गया है, और ऐसे में लगातार अधिकारियों पर आरोप लग रहे हैं और हरकतों से अपनी बाज नहीं आ रही। लेकिन आपको ये भी बता दें कि करोड़ों रुपए का यह घोटाला किया गया है। वहीं साथ ही जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह से इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने भी बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के अब की बार मथुरा की बारी आने वाले बयान पर कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने उन पर पलटवार किया है। दरअसल कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी और केशव प्रसाद मौर्य धर्म और जाति की राजनीति करते हैं, हम सबसे पहले इंसान उसके बाद हिंदू और मुसलमान देखते हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने गणेश वंदना सुनाई। सिद्दीकी ने कहा मुझे वेद ग्रंथ कुरान और बाइबल का ज्ञान भी है, और इस दौरान वो बीजेपी पर जमकर बरसे। हम प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं, इंतजार कीजिए, चुनाव का घोषणा होने दीजिए, आपको सब हम बता देंगे। अभी हम मजबूती के साथ ताकत के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और उसका आज आने का लक्ष्य भी वही है, कल जो मीटिंग हो रही है उसका भी लक्ष्य वही है। मेरठ में दो बार प्रियंका जी की रैली कर गई है, क्या अगला कोई रैली का कार्यक्रम तय हुआ? अभी नहीं तय हुआ, मेरठ में दो बार टल गई है, तो कभी कोई बात हो जाती है, कभी शादियाँ ज़्यादा होती हैं, कभी प्रशासन परमिशन नहीं देता है, तो महोबा में हो गई, महोबा में चार बार टली, पांचवी बार हुई। अलीगढ़ में जहरीली शराब कांड में जेल में गए मुख्य आरोपियों में शामिल ऋषि शर्मा की पत्नी जवां की पूर्व ब्लॉक प्रमुख रेणु शर्मा की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बीमारी की वजह से रेणु शर्मा की हालत बिगड़ने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था, मगर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं परिवार ने मौत की साजिश बताते हुए जमकर हंगामा किया, काफी देर तक शव को मेडिकल से नहीं निकलने दिया गया। आरोप है कि जमानत के बाद उनकी रिहाई शुक्रवार को जमानती सत्यापन के में टाल दी गई थी। वहीं अब पूर्व ब्लॉक प्रमुख रेणु शर्मा की मौत के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है, जिसके चलते पोस्टमार्टम हाउस पर भगवान शर्मा सहित कई पार्टियों के नेता पहुंचे। ऐसे में सांसद की मौजूदगी में मृतक के परिजनों की तरफ से जमकर वहां पर नारेबाजी की गई। तो अलीगढ़ का यह पूरा मामला है जहां पर जेल गई पूर्व ब्लॉक प्रमुख की मौत हो गई है, जिसके बाद परिवार ने हत्या का आरोप लगाया है। हमारी डिमांड ये है कि जो हुआ है सबसे पहले उसकी सीबीआई जांच हो, इस शराब कांड में जो निर्दोष फंसाया गया उनकी सीबीआई जांच हो, और जिस तरह से इनका रात में अचानक इनको लेके एक दिन दो दिन पहले इनको लेके गए जबकि इनकी हालत नाजुक थी, जेल में लेके गए हॉस्पिटल से नाजुक हालत में, ऐसा क्या हुआ अंदर जिससे कि इनकी हत्या हो गई, ऐसा मैं जानना चाहता हूँ। उनके फोटो मैंने देखे हैं, उनके मुँह से झाग निकल रहे हैं, नाक से झाग निकल रहे हैं, झाग किस कंडीशन में निकलते हैं ये सब लोग जानते हैं। तो अलीगढ़ से हमारे संवाददाता विनीत हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, जिस तरह से ये पूर्व ब्लॉक प्रमुख की जेल के दौरान ही मतलब जेल में मौत हो गई है, क्या ये पूरा मामला है, क्या वजह रही उनकी मौत की? जिस तरह से पिछले दिनों जो शराब जहरीली शराब कांड में मुख्य आरोपी ऋषि शर्मा की ये पत्नी है रेणु शर्मा, जो जिसमें ये मुख्य आरोपी की पत्नी बताई जा रही थी, और जिसके द्वारा इनको यहाँ पर कारागार में बंद किया गया था काफी समय से, यहाँ विचाराधीन यहाँ पर महिला कारागार में बंद थी, जिसके बाद लगातार इनकी तबियत बिगड़ी हुई थी। कल देर रात्रि में इनकी अचानक से तबियत खराब होने के कारण इनकी मौत हो गई। मौत के बाद परिवारजनों का रो रो का बुरा हाल हो गया, वही पुलिस के खिलाफ इनका आक्रोश बढ़ता गया। वहीं परिवारजनों का साफ तौर से कहना है कि इन्होंने जेल प्रशासन द्वारा इनके
जो रेनू शर्मा थी उनको मारा गया है, उन्होंने सीधे प्रशासन को कहा था कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख की तबीयत बिगड़ गई थी, उस वजह से मौत हुई, लेकिन परिवार वाले हत्या का आरोप लगा रहे हैं। क्या इस मामले में कार्रवाई की जा रही है? जी जिस तरीके से अभी परिवार जनों का साफ तौर से कहना है कि जेल में इनकी हत्या हुई है और पुलिस कर्मियों ने जेल प्रशासन ने इनके ऊपर जेल प्रशासन के ऊपर परिवारिक जनों ने पूरा टीका फोड़ा है और उनका अब परिवारिक जनों का साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से उनके अन्य जो परिवारिक जन है जो जेल में विचाराधीन है उनको पैरोल पर छोड़ने की परिवारिक जनों ने मांग की है। उन्होंने कहा है कि जो जेल में उनके अन्य परिवारिक जन है उनको बाहर निकाला जाए जिससे कि जो उनका अंतिम संस्कार जल्द से जल्द कराया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से जो अभी तक कार्रवाई हुई है लगातार जो परिवारिक जन है वो पुलिस प्रशासन की जो रवैया है उससे अभी नाखुश नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि जब तक पैरोल पर उनको छोड़ा नहीं जाएगा, जब तक उनकी जो मृतका है उनको मुखाग्नि नहीं दी जाएगी, तो उस तरीके से अभी जो है असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पैरोल पर छोड़ने की मांग की जा रही है, परिवारिक जन धरने पर लगातार बैठे हुए हैं और तमाम सियासी राजनीतिक दल उनका समर्थन करने के लिए वहाँ मौके पर मौजूद है। पोस्टमार्टम हाउस पर एक भारी हुजूम वहाँ इकट्ठा हो चुका है और लोग पुलिस से एक ही मांग कर रहे हैं कि उनके जो परिवारिक जन है छह लोगों को परिवारिक जनों को उनको पेरोल पर छोड़ा जाए जिससे कि उनके जो मृतक है उनके मुखाग्नि दी जाए उनको और उनके परिवारिक जनों को सांत्वना दी जाए। जी चलिए ठीक है विनीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ऐसे में आपको बता दें ये पूरा मामला है अलीगढ़ का, जहां पर जेल गई पूर्व ब्लॉक प्रमुख की मौत हो गई। हालांकि कहा यह जा रहा है कि मौत तबीयत बिगड़ने की वजह से हुई, लेकिन परिजनों का लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि जेल प्रशासन ने यह साजिश रची थी जिसके बाद हत्या उसकी कर दी गई। सहारनपुर के दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर थाना बिहारीगढ़ के जंगल में देहरादून की ओर से आ रही कार में बीजेपी की रैली में जा रही एक बस ने टक्कर मार दी। वहीं आमने सामने की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार में सवार तीन लोगों की मौके पर मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। तो ऐसे में सहारनपुर का ये पूरा मामला है, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कितनी भयानक ये भिड़ंत थी, किस तरह से गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और ऐसे में कार और बस में ये आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हुई है। सहारनपुर एसएसपी आकाश तोमर ने नवंबर महीने में शातिर अपराधियों के खिलाफ एक अभियान चलाया था, अभियान को नाम दिया गया था ऑपरेशन शिकंजा। पुलिस को इस अभियान में बड़ी सफलता मिली है। दरअसल सहारनपुर पुलिस ने ऑपरेशन शिकंजा के तहत जिले भर से 203 से ज्यादा शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है और सभी को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। इन अपराधियों के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब, स्मैक, चरस, गांजा के साथ अवैध हथियारों का जखीरा भी बरामद कर लिया है। वहीं एसपी सिटी का कहना है कि पुलिस इस कार्रवाई से शातिर बदमाशों में दहशत बनी हुई है। इसके अलावा जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उन पर जल्द ही गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। नवंबर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा एक अभियान चलाया गया ये जो हमारे वांछित अपराधी है और अन्य अपराधी जो अन्य तरह के अपराधों में लिप्त हैं उसमें एक ऑपरेशन शिकंजा नाम से एक पूरा महीने अभियान चला है जिसमें 203 ऐसे अपराधियों की गिरफ्तारी जनपद में की गई है। इसमें आप देखेंगे तो कुछ वांछित अपराधी हैं, कुछ ऐसे अपराधी हैं जो ड्रग तस्करी में लिप्त हैं, अवैध शराब के धंधे में लिप्त हैं, आर्म्स स्मगलिंग में लिप्त हैं। इसका कुल 203 अपराधियों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है और ये अभियान लगातार जारी रहेगा और इनके गिरफ्तार होने से काफ़ी अपराधियों में इसको लेकर दहशत है। वहीं जालौन के माधोगढ़ नगर कस्बा की रहने वाली विकलांग और विधवा महिला मनोज कुमारी दर दर भटक रही है। दरअसल महीनों से तहसील और नगर पंचायत के चक्कर लगा रही है फिर भी मामले में कोई सुनवाई नहीं हो रही। मामला जालौन के माधोगढ़ नगर पंचायत का है जहां पर एक विकलांग महिला का खेत है जिसमें नगर पंचायत का पूरा पानी जाता है जिससे महिला का खेत जलमग्न हो जाता है जिसके चलते महिला अपने खेत में बुआई का काम नहीं कर पाती है, जिसके लिए विकलांग महिला ने नगर पंचायत अधिकारी को भी कई बार अवगत कराया लेकिन महिला की एक भी नहीं सुनी गई। आज जब तहसील परिसर में संपूर्ण समाधान दिवस में उपजिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में महिला ने न्याय की गुहार लगाई तब उपजिलाधिकारी ने जांच करने के सख्त निर्देश दे दिए हैं।
लोगों ने अवैध कब्जे को लेकर शिकायतें की हैं, कुछ हाँ उसमें टीम बना करके उनका जो है निस्तारण कराया जाएगा, आज ही टीम रवाना होगी। ये नगर पंचायत है गंदा पानी कम से कम 5 साल से ऐसा बड़ा खेत बह नहीं पा रहा है, कम से 5-6 किसानों के तहत में जाए। कई बार दरखास्त दे चुके हैं नगर पंचायत में, एसडीएम साहब को दरखास्त दी है कई एक बार, एसडीएम साहब को दरखास्त दे चुके, एसडीएम साहब मुआयना फिर न करके आएंगे 2 साल पे करके गए जाए, कोई सुनवाई नहीं दायित्व नगर पंचायत। हमारे खेत में पानी भरा था, इसकी सुनवाई अभी तक नहीं हुई। नहीं क्या कहा फिर अभी एसडीएम साहब ने आपसे? कुछ नहीं करवा देंगे, मुआयना करवा दें। ये पानी कहाँ से आ रहा है? नगर पंचायत से। तो नगर पंचायत अधिकारी से नहीं कहा? कहियर बार कहा है। अच्छा क्या कहते हैं? करवा देंगे। करवा दूंगा। अभी तक सुनवाई नहीं की ना। कितने दिन हो गए पानी? 5 साल। 5 साल है। कुशीनगर में सालों पहले से जगह जगह अस्पतालों और जिला चिकित्सालय पर सेवा दे रहे हैं डिप्लोमा फार्मेस्ट आज भी उसी पद पर तैनात हैं जहां उनके नियुक्ति हुई थी। वहीं तमाम कर्मचारियों की पदोन्नति और वेतन में बढ़ोतरी हो चुकी है, लेकिन फार्मेस्ट आज भी उसी जगह अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कुशीनगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर डिप्लोमा फार्मेस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के बैनर तले निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार डिप्लोमा फार्मेस्ट एसोसिएशन की तरफ से अपनी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के जरिए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया और कहा गया कि अगर मांगे पूरी नहीं होती तो पूर्ण कार्य बहिष्कार किया जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।